वो जब नींद से उठती है वो देखती है उसका हाथ उसके हस्बैंड के हाथ के साथ हथकड़ी से बंधा है। वो उससे सवाल करती है लेकिन अगले ही पल वो खुद को गोली से उड़ा लेता है। ये देखकर एमा की जान हलक में आ गई है। उसका चेहरा खून से ढका है लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं, वो बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन उसका पति माइक उसके लिए ये इतना आसान छोड़कर नहीं गया है। अब अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के बाद एमा माइक की गन उठाती है। वो गोली चलाती है हथकड़ी तोड़ने के लिए लेकिन बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी जिसे माइक अपने भेजे में उतार चुका है। एमा नाइट ड्रेस में थी तो वो अपने कपड़े चेंज करना चाहती है। वो माइक की लाश को घसीटते हुए लेकर जाती है लेकिन अब वहाँ कोई कपड़ा नहीं है सिवाय उसके शादी के जोड़े के। माइक ने इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। जैसे ही वो ड्रेस उठाती है उसके पीछे उसे एक तिजोरी नजर आती है। वो इस ड्रेस को माइक की बॉडी को खींचने के लिए काम में लाती है। वो खुद माइक की शर्ट उतार कर पहन लेती है। वो उसके साथ सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है लेकिन वो माइक की बॉडी के साथ लोटे खाते हुए सीढ़ी से नीचे गिरती है। बाहर खून जमाने वाली ठंड है। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के नंगे पांव बाहर जाना जोखिम भरा है। एमा दरवाजा बंद करती है। वो मदद बुलाने के लिए एक कॉल करना चाहती है लेकिन माइक उसका फोन भी पानी में डालकर गया है। क्या एमा इस मुसीबत से निकल पाएगी? फुल वीडियो लिंक सबसे ऊपर वाले कमेंट में मिलेगा।